Since this is exercise 3.5, question number 3. Solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication methods. तो सबसे पहले हमें किस मेथड से सॉल्व करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन उसको उसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन ले लिया हमने। अब क्या करना है, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ, 4 2y उधर जाके माइनस 2y, x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 4 माइनस 2y अपॉन में 3। अब इसकी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो वैल्यू रखने के बाद 8 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y अपॉन में 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करना है, 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16y अपॉन में 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। यहां एलसीएम लेना है, 32 माइनस 16y प्लस 15y अपॉन में 3। ये 3 जो डिनोमिनेटर में आएगा वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वहां जाके 9 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम 32 माइनस 16y प्लस 15y इक्वल टू 9, 3 जा 27। अभी सॉल्व कर लीजिए इसको, माइनस 16y प्लस y प्लस 15y माइनस y हो गया 27 माइनस 32, 32 राइट साइड जाके माइनस हो गया, कितना हो गया माइनस 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। अब इस y की वैल्यू को यहां रख देना हमें, हमें x की वैल्यू, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 4 माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 3, कितना हो गया ये 4 माइनस 10 अपॉन 3 दैट इज माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2। तो x क्या आ गया हमारे पास माइनस 2 एंड y इज 5, ठीक है। तो अब मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हम रख लेते हैं हमारे वेरिफिकेशन के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो लेफ्ट राइट साइड में जो भी चीज है यहाँ कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले सब चीजों को लेफ्ट साइड लगे, ठीक है। तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में लेकर आनी पड़ती है हमें सबसे पहले जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे होते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, यहाँ x लीजिए क्योंकि वेरिएबल क्या है x, देन y, देन 1 इक्वल टू, अब देखिए x x के नीचे लिखने के लिए यहाँ x को हाइड कर लेंगे, क्या बचा हमारे पास 5 2 एंड माइनस 9 माइनस 4, 5 2 माइनस 9 माइनस 4। अब y को लिखने के लिए y को हाइड कर लीजिए, माइनस 9 माइनस 4 8 एंड 3। अब 1 के लिए लिखने के लिए यहाँ कॉन्स्टेंट को हाइड कर लीजिए, 8 अपॉन 3 8 3 और देन 5 2, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसीलिए इसको मेथड हम कौन सा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x के नीचे क्या आ जाएगा 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20। अब ये फॉर्मूले का माइनस आपको इंक्लूड रखना है, ठीक है, 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 10 ये। अब y के लिए लिखेंगे, y के लिए लिखेंगे देखिए माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27, ये फॉर्मूले का माइनस, माइनस 4 इंटू 8 माइनस 32,
ठीक है, एंड देन वन के नीचे क्या आएगा, एट टू जा 16, फाइव थ्री जा 15, 16 माइनस 15, ठीक है, तो अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स अपॉन में क्या आ गया हमारा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 20 प्लस 18 माइनस टू, वाई के नीचे माइनस 27 प्लस 32 5 इक्वल टू 1/1। अब x और y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, दोनों को हम किससे इक्वेट कर देंगे, 1/1 से, तो x अपॉन माइनस टू इक्वल टू 1/1, y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, तो x क्या आ गया हमारे पास माइनस टू एंड यहाँ y क्या आ गया 5, ठीक है, सेम आ रही थी इक्वेशन, वैल्यूज हमारी यहाँ भी सेम।